आंटी, नाश्ता बना दिया? नहीं बेटा, ठीक है तुम चाय बनाओ, मैं पराठे बना देती हूँ। चाय और मैं चाय बनाऊंगी। नहीं बता बेटा, हुदा के बाद तुमने ही घर के काम संभाले। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम हमारे लिए कुछ करो, अपने और अपने शौहर के लिए खुद नाश्ता बनाया करो, खाना बनाया करो, इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि आजकल मैं खीर में तुम्हारा हाथ धुलवा देती हूँ। नोटिस कर रही हूँ मैं, जब से मेरे भाई के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है तब से आप लोगों के तेवर ही बदल गए। मुझसे उम्मीद मत रखिएगा ये मासी वाले कामों की, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छी तरह जानती है ना कि मैं कौन हूँ, वरदा आरिफ। और ये जो थर्ड क्लास किचन के काम है ना, या जो भी घर के काम है, ये थर्ड क्लास लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूंगी। क्या करूं, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ, वहां नाश्ता भी मिल जाएगा और सुकून भी। या अल्लाह, इस लड़की को हदायत दे। हाय हाय, आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको मना किया था ना। हाँ, और मैंने मान भी लिया था, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऐसी रिक्वेस्ट की कि मैं मना नहीं कर सका। अजमीर, इतबार का तो जमाना ही नहीं रहा, वो देखो। ये कब हुआ? असल में आपके बाबा जान चाह रहे थे कि उनकी लाडली बेटी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ अपनी पसंद की शॉपिंग करें, तो चलें मैम। मैं बैग लेके आ रही हूँ। ओके।